हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो आप सभी का स्वागत है। तो सो गाइस, आज का मेरा वीडियो ना दोस्तों होंडा एसपी साइन BS6 फुल इंजन फिटिंग। दोस्तों आज मैं इस वीडियो को बताऊंगा आप लोग को कहा कि यूट्यूब का दोस्तों पहला वीडियो है। दोस्तों कभी तक आज तक आपने यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखा होगा होंडा साइन BS6 का फुल इंजन फिटिंग, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट खास होने वाला है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दिए। अगर मेरे चैनल इस तरह मोटर साइकिल से रिलेटेड सभी प्रकार नॉलेज मेरे चैनल आपको मिलती रहेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट, तो डिटेल्स में बताएंगे फुल फिटिंग BS6 का होंडा साइन का। सो ये होंडा साइन एसपी का दोस्तों वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब का पहला वीडियो है। यूट्यूब का दोस्तों पहला वीडियो वहीं पर यूट्यूब, किसी ने आज तक वीडियो अपलोड नहीं किया यूट्यूब पर BS6 होंडा साइन का फुल फिटिंग है। दोस्तों तो आपको BS6 बाइक का भी आ सकता है इंजन लेकर, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको सारा बताऊंगा कौन सा बाइक आपको क्लच पे डालना, कौन सा बाइक का पिस्टन डालना, कौन सा बाइक का भाल्व। सबसे पहले गाइस हम एक चैम्बर को ले लेंगे और इसका गियर बॉक्स को फिटिंग करेंगे। तो वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट किया गाइस, गियर बॉक्स का वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। मैंने पूरा बताया एक पिनन के बारे में बताया कि किस तरह पिनन फिटिंग करना है, सर ने बता दिया डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ से वीडियो देख सकते जाकर। तो चलिए गियर बॉक्स मैंने बिठा लिया, आप चलिए सिलेक्टर को लगाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा मैं फर्स्ट किया हूँ ताकि बहुत टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए दोनों सिलेक्टर किस तरह लगाऊँ उस वीडियो में बताया हुआ उसकी सब चीज़ों को बारे में बताया उस वीडियो पर, गियर बॉक्स किस तरह फिटिंग करना, सिलेक्टर किस तरह लगाना है पूरा एक्सप्लेन किया डिटेल के साथ। उस वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब सिलेक्टर मैं इसका लगाता हूँ, अब फिर आएगा स्टेप बता दो आप लोगों को, गेयर चेक करके बताऊंगा गेयर मेरा काम कर रहा है ना, पूरा स्टेप बताएंगे। तो BS6 है दोस्तों होंडा साइन दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, इसका मत कीजिएगा ताकि आपके पास इस तरह का बाइक कभी भी आपके शॉप में आकर और लेकर आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल का पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल में इस तरह इंजन से फिटिंग सही प्रकार का बाइक रिलेटेड वीडियो मैं लाता हूँ मेरे चैनल में, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो चलिए इसका मैं सबसे पहले सिलेक्टर लगाता हूँ, फिर इसका था क्रैंक कौन सा बाइक कैसा क्रैंक मिलता है, क्रैंक का बात करें तो थोड़ा देख के थोड़ा शौक हो जाएगा। दोस्तों ये हम लोग का स्कूटी में रहता है ना दोस्तों एक्टिवा वगैरह में क्रैंक, उस प्रकार से इसका दोस्तों क्रैंक है। और थोड़ा मैं आप लोग को बात बोल दूँ इधर का कि सिलेक्टर फिटिंग करते करते कि इसका ना दोस्तों मैंने पिस्टन डाला है दोस्तों होंडा एक्टिवा 125 cc है, इसका मैंने स्टैंडर्ड पिस्टन डाला है होंडा एक्टिवा 125 cc का, मैंने इसके अंदर पिस्टन डाला है दोस्तों। भाव दोस्तों मुझे नहीं मिला इसका, इसलिए मैं वही बाल्ब को गर्डनिंग करके लगाया, फिर कमेंट में नहीं कीजिएगा इस कौन सा मुझे इसका बल्ब चाहिए। तो मुझे खुद पता नहीं अभी इसके अंदर कौन सा का बल्ब लाएगा, मुझे बल्ब नहीं मिला सर्विस सेंटर में जाकर भी। तो मैंने पहले का वाल्ड बल्ब तो इसको मैं गर्डनिंग करके इसके अंदर मैं फिटिंग किया है मेरे। तो चलिए इसका पिस्टन मैंने नया डाला है, तो गियर मेरा काम कर रहा है, देख फर्स्ट गियर, इस फर्स्ट गियर मेरा काम कर रहा है, सेकेंड गियर, दो नंबर गियर दोस्तों, यह तीसरा नंबर गियर काम कर रहा है, लास्ट चौथा नंबर, फिर हो गया पाँचवा नंबर, चार नंबर हो गया, ये वैसे पाँच नंबर हो गया। एसपी का इंजन है तो पाँच नंबर है इसमें, तो सारा गियर मेरा काम कर रहा है। आप चलिए इसका करेंगे आप लोगों को दिखाता हूँ करेंगे इसका कैसा है। तो पिस्टन आप लोगों को बताया, पिस्टन लगाएगा दोस्तों हम लोग का एक्टिवा, देखिए इसका करेंगे हम लोग का कुछ इसका इससे मिलता जुलता है, एक्टिवा से करेंगे हम लोग मिलता जुलता है, करेंगे देख सकते हैं एक्टिवा ऐसे करेंगे, जैसे हम लोग को ऊपर टिकटिना का कवर रहा था एक्टिवा में उस तरह का देख सकते हैं, करेंग दिख रहा है एक्टिवा का, तो करेंग जिस तरह एक्टिवा ऐसा करेंग दिख रहा है। तो इस तो हम बोन लगाएंगे उसको रेजी बोन का यूज़ करेंगे, देख सकते करेंग किस तरह है इसको एक्टिवा ऐसा करेंगे। मैंने उसको पिस्टन में एक्टिवा का डाला 125 cc एक्टिवा का मैंने पिस्टन इसके अंदर डाला है। और क्लच प्लेट का बात किया तो ड्रीम ओगा का उसको क्लच प्लेट लग जाएगा, जो हम लोग का लीवो में लगता है क्लच प्लेट, वही क्लच प्लेट इसके अंदर लग जाएगा। चलिए पैक करते हैं चैम्बर को। तो वीडियो दोस्तों फर्स्ट किया है मैंने दोस्तों, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ मैं, आगे से नॉइज़ डाल रहा हूँ इस वीडियो पर। तो चलिए मैं चैम्बर परफेक्ट से बिठा लेता हूँ चैम्बर को मैंने, अब चलिए इसका जितना भी यहाँ का बोल्ट होता है ना नंबर का सारा डाट करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से इधर इंजन पर रोटर का घुमा लेंगे। और टाइम इंजन अगर इसका बात करें तो टाइम इंजन दोस्तों हम लोग का लग जाएगा ड्रीम होगा का, हम लोग 110 cc का ड्रीम होगा टाइम इंजन लगता था, वही टाइम इंजन दोस्तों इसमें अंदर लगने वाला है। तो वीडियो दोस्तों इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा बाइक का हमको पार्ट्स डालना है इंजन में, बाई चांस आपके पास ऐसा इंजन है तो आपको पछताना ना पड़े, पार्ट्स खोजना ना पड़े, इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं सारा तरह का आप लोग बता दूंगा कौन सा बाइक का टाइम इंजन डालना है, कौन सा बाइक क्लच पर डालना है, क्या सा बाइक का पिस्टन डालना है, सारा मैं बता दूंगा। तो टाइम इंजन है तो किट हम लोग का ड्रीम ओगा का मैं इसका डालूंगा, अगर ड्रीम ओगा का है तो मैंने सबसे पहले फिटिंग का टाइम इंजन लगाया था, ड्रीम ओगा का मैंने टाइम इंजन लगाया था, तो हमारे पास किक का स्प्रिंग है। तो इसका रेचर हम लोग का सबसे पहले बैठाएंगे उधर, जो तुम्हारा का रहता है पत्ती जो तुम्हारा स्प्रिंग को होल्ड कर रखता है कवर करके। तो चलिए 10 नंबर का जो बोल्ट रहता है इसको टाइट लगाएंगे, फुल टाइट कर लेंगे बोल्ट को, हम लोग उसको स्प्रिंग को राउंड मार देंगे, हम लोग का स्प्रिंग आप उसको एक बार राउंड मार लेंगे इस प्रकार से, हम लोग प्लस का मतलब पकड़ेंगे होल्ड में घुसा देंगे,
टाइम स्प्रिंग दोस्तों हम लोग का बैठ चुका है अच्छा से, देख सकते हैं आप एक बार उसको हम लोग घुमा के देख ले कि हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं, और हमारा क्लच वाला शॉट आवाज़ कर रहा है, क्लच शॉट घुमा के देख ले हम लोग आवाज़ कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों पिन रहता है और स्टार को लगाएंगे इस प्रकार से लोग, ये सब तो जो हम लोग का पहले बाइक है उस तरह सेम सिस्टम है, तो इस प्रकार से लगा सकते हैं इसको। अब चलिए इसका गियर का जो हम लोग का साफ्ट होता है इसको लगाएंगे, 10 नंबर का बोल्ट रहता है उसको, वसा कुछ यहाँ नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा जो हम लोग का पहले का बाइक में रहता था यहाँ पर वसा नहीं रहता। इस तो हमारा स्टार फिंगर हम लोग गियर का स्टोर पत्ती भी कहते हैं, फिंगर भी कहते हैं, स्टोर पत्ती यानी मतलब गियर को स्टॉप कर रखते, गियर को रोक कर रखता है, तो हम लोग गियर फिंगर भी कहते हैं, गियर स्टोर स्टोर पत्ती भी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं। तो चलिए इसको मैं लगाता हूँ और 10 नंबर का बोल्ट को भी अच्छा से स्टार्ट कर लेंगे फाइनली। अब चलिए इसका स्टार्ट करता हूँ। अब दोस्तों मैंने और एक मेरा वीडियो बना हुआ है दोस्तों, कहा कि मैं क्लच का मेरा काम किया था एक एसपी साइन का, तो उधर मैंने वीडियो बनाया था डिटेल के साथ, उसमें बताया था मैंने कि कौन सा बाइक क्लच पर लगाना है, कौन सा उल्टा घुना सीधा घुना सारा बताया था, तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो मेरा पास तो फिल्टर है उसको मैंने लगा लिया, आप डीवीटी पर लगाने से पहले उसको कटर लगाना पड़ेगा अंदर, एक से बूस रहेगा। चलिए मैं इसको लॉक लगा दूँ, बूस को अंदर से लगा लेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे डीवीटी पिनियन, ऐसे जेवीटी पिनियन कहते हैं, प्राइमरी गियर कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग के डीवीटी पिनियन भी बोलते हैं कोई के मेकार में, प्राइमरी गियर भी कहते हैं। अब दोस्तों क्लच हॉजिंग हम लोग को ड्रीम मोबाइल से मिलता जुलता देख सकते हैं, जो हम लोग का लिभो में लगता है छोटा क्लच प्लेट उस तरह से, तो लगता है ग्लैमर जैसे क्लच प्लेट लगता है ना लिभो में उस तरह से, तो मैं इसका क्लच प्लेट लिभो का ही डालता रहा हूँ। तो चलिए सेंटर में दोस्तों लिभो का लग जाएगा इस प्रकार से, लगा देंगे क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट इस तरह लगा देंगे हम लोग, देख सकते हैं इस तरह में लगा दिया मैंने। अब इसी अंदर वॉशर ला के इसको फिटिंग कर दे, अंदर एक वॉशर रहता है, सब क्लच प्लेट के बारे में आप लोग पता होगा दोस्तों, नॉलेज आप लोग को तो होगा उतना ही। तो चलिए वॉशर देना है, सिंगल वॉशर रहता है दोस्तों, दो बोल्ट रहता है उधर एक इधर, 19 नंबर का दो बोल्ट है, अब उधर भी वॉशर लगा टाइट नट लगाना है, बोल्ट नट को लगाना है। चलिए होल्डर में सबसे पहले होल्ड करूँगा इसको और फिर इसको फुल टाइट करेंगे अच्छा से मजबूती के साथ टाइट करेंगे इसको हम लोग, फुल टाइट करेंगे, टाइट कर लिया। अब स्प्रिंग लगाएंगे और टाइट करेंगे फाइनली इसको, और इस स्प्रिंग को लगाते समय एक चीज़ आपको ध्यान दें कि जब भी इस समय टाइट करें बराबर टाइट करें, इससे मैं हर वीडियो पर बताता हूँ, क्लच प्लेट का वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पर आप लोग को बताता हूँ इसको बराबर टाइट करना है, ताकि उसको बराबर टाइट नहीं कीजिएगा तो पत्ते तो बहुत ही नॉर्मल बहुत नरम है तो टूट सकता है। तो चलिए बैरिंग लगा देते हैं, तो इसका मतलब पहले मेरा वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं इसका उधर जाकर आपको नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए इस बोल्ट नट को लगाते हैं, टाइट करते हैं, आप फाइनल टाइट कर लेंगे, नीचे कुछ बोल्ट वगैरह या चाहे तो डीवीडी में फंसा सकते हैं। सो गाइस फाइनली मेरा टाइट कर दिया टाइट दोस्तों, उसको बोल लगाकर टाइट करूँगा फाइनली। अब चलिए टाइट हो गया मेरा, आगे स्टेप बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ वायरिंग रहता है वहाँ ध्यान दीजिएगा, वायरिंग को वायरिंग का भी कभी हट जाता है ना साफ करते करते, इसलिए वायरिंग का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पंप का स्पॉट को लगाएंगे, मेरा पंप का स्पॉट है, इसको चेक कर लेगा ऐसा टूटा हुआ प्लास्टिक रहता है दोस्तों पंप का स्पॉट, और ऑर्डर कर देगा पैकिंग दोस्तों मैं लगा रहा हूँ उसके अंदर। तो चलिए बोन फ्लो तो लगाएंगे पैकिंग में, आप पैक करेंगे इसको हम लोग, तो पूरा काम होगा मेरा कम्प्लीट। तो चलिए पैकिंग को लगाते हैं, तो पैकिंग जो मेरा बैठ चुका देख सकते हैं, अब एक बूस रहता है उसको जो हम लोग का क्लच को दाबता है, दाबने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से इसको लगा लेंगे, कवर को हम लोग फिटिंग कर देंगे इस प्रकार से, क्लच का कवर को लगा लेंगे हम लोग। तो क्लच कवर उसमें मेरा लग चुका है, अब चलिए आगे स्टेप बताते हैं। तो बोल्ट सारा कस लेंगे हम लोग और फिर आगे स्टेप बताते हैं। तो चलिए फटाफट सारा बोल्ट लगाएंगे, जो हम लोग बोल्ट होता है ना सारा बोल्ट लगा लेंगे हम लोग, फटाफट स्टार्ट करते हैं सारा बोल्ट को, बोर्ड लगा लेंगे, तो फिल्टर है फिल्टर को लगा लेंगे, और वायरिंग का ध्यान दीजिएगा, वायरिंग का खर्चा तो चेंज कर दीजिएगा। अब जल्दी स्प्रिंग आता है तो फिल्टर के नीचे का स्प्रिंग भी आता है, इस प्रकार से इसको लगाकर 2-8 नंबर का बोल्ट स्टार्ट कर लेंगे इसको भी इस प्रकार से, 12 बार टाइट करेंगे हम लोग इसको भी, तो होगा कम्प्लीट। और सिलेंडर का डॉ मैंने बिठा लिया, ब्लॉक किट बिठा लिया मैंने, अब चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे वीडियो कट करता हूँ फाइनल आपको, उसका टाइमिंग वगैरह दिखाता हूँ मैं। तो चलिए टेन हम लोग का रोलर होता है टाइमिंग चेंज, उसको लगाएंगे रोलर, जैसे हम लोग कहते हैं टाइमिंग चेंज रोलर कहते हैं इसको। 8 नंबर नीचे बोल्ट है, तो देखिए 2 नंबर नीचे बोल्ट लगाएगा, यह रोलर है इसको लगाएंगे। चलो अब इस बोल्ट को टाइट कर लेते हैं हम लोग, तो हो गया इसको, मैंने हेड वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया फिटिंग, देख सकते इसका टाइमिंग आप लोग देख सकते गाइस, मैंने इसका टाइमिंग किस तरह इसका मैंने टाइमिंग बांधा है इसका, इसको जो मेहनत का निशान है गाइस, इसको निशान के सामने रख के, और इसका जो
ड्रीम होगा हम लोग टाइम कर, दूसरा दोस्तों दो हमारा निशान बना उसको बराबर का टाइम करना होता है। देखिए इस प्रकार से इसका इंटरफेस है दोस्तों। यही था मेरा आज का वीडियो, भाई वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मेरे चैनल आपको इस तरह बाइक से वीडियो नहीं मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ ऐसे टॉपिक का, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग और टाइम इंच के अंदर ड्रीम होगा लगा दीजिएगा। तो बाकी इस फिटिंग बाद में बताऊंगा। तो चलिए ऐसे वीडियो को लास्ट करते हैं। इंटर का पत्ती है दोस्तों, इंटर का काम करता है स्प्रिंग साथ एक घुस रहता है और इन्वर्टर काम करता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छे से टॉपिक लेकर। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।